टिकट को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, केजरीवाल से भिड़े कार्यकर्ता। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को बताया जिंदल का दलाल, CIA और फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट भी बता डाला। जिंदल का दलाल, CIA का दलाल, फोर्ड फाउंडेशन का दलाल है ये। आपको आरोप लगाया कि आपने टिकट मांगी, कहां से टिकट? मैंने कोई टिकट नहीं मांगी, ये चैलेंज करता हूँ, दिखाया कि मैंने कोई फॉर्म अप्लाई किया हो। ये चैतू झूठा है, ये जिंदल का दलाल है, जिंदल का, ये CIA का दलाल है, ये जिंदल का दलाल, CIA का दलाल, फोर्ड फाउंडेशन का दलाल है ये। आपने आपको आरोप लगाया कि आपने टिकट मांगी, कहां से टिकट? मैंने कोई टिकट नहीं मांगी, ये चैलेंज करता हूँ, दिखाया कि मैंने कोई फॉर्म अप्लाई किया हो। प्रदर्शनकारियों से मिले केजरीवाल, बोले नहीं दूंगा टिकट। माइक लगा दो। मैं फाउंडर मेंबर हूं कि नहीं हूं? मैं फाउंडर मेंबर हूं। आप फाउंडर मेंबर हो? मैं इलेक्शन, मैं इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन में टिकट नहीं देंगे, आपको टिकट नहीं देंगे। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पार्टी उम्मीदवार सविता भट्टी ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। जसपाल भट्टी की पत्नी है सविता भट्टी, पार्टी ने चंडीगढ़ से बनाया था उम्मीदवार। सविता भट्टी ने नहीं लड़ने की बताई वजह, कहा कार्यकर्ताओं ने नहीं मिल रहा है सहयोग। कुछ दिन पहले सविता भट्टी ने जोर शोर से शुरू किया था चुनाव प्रचार, चंडीगढ़ में घूम घूम कर मांग रही थी वोट। गुजरात के बाद आज मथुरा में केजरीवाल की रैली, कल अहमदाबाद में केजरीवाल की सभा में फेंके गए थे पत्थर। मोदी की सीट को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में हंगामा, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी में बहस। मोदी के वाराणसी सीट पर लड़ने को लेकर जोशी ने जताया एतराज, राजनाथ से पूछा क्यों नहीं तस्वीर की जाती साफ। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी ने संघ के भैया जी से की बात, जताया अपना एतराज। सूत्रों के मुताबिक सुषमा ने भी सीट बदलने का किया विरोध, सुषमा ने कहा कि अगर मोदी लहर है तो सीट बदलने की जरूरत क्यों। बीजेपी की अगली लिस्ट पर लगी निगाह, 13 मार्च को आएगी तीसरी लिस्ट, मोदी का हो सकता है नाम। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से जारी की 194 लोगों की पहली लिस्ट, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी का नाम भी शामिल। सोनिया गांधी रायबरेली, राहुल अमेठी से फिर लड़ेंगे चुनाव, नंदन नीलकणी के उस साउथ बैंगलोर, वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को बिलासपुर से मिला टिकट। कांग्रेस से क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को फूलपुर, भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन को जौनपुर से दिया टिकट। ओडिया फिल्म स्टार अपराजिता मोहंती को कटक और विजय मोहंती को भुवनेश्वर से कांग्रेस का मिला टिकट। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार युवाओं पर जताया भरोसा, टिकट पाने वालों में 35% लोगों की उम्र 50 से कम। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर ली चुटकी, कहा कांग्रेस के पास अच्छे उम्मीदवारों का टोटा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बैंगलोर में पदयात्रा का आयोजन, पीएम उम्मीदवार की तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनकर किया मार्च। कांग्रेस जयपर्दा को टिकट देने के लिए तैयार, अमर सिंह के चलते रुका फैसला, अमर सिंह को सिंबल देने के बजाय समर्थन देना चाहती है कांग्रेस। यूपी के सुल्तानपुर में मौजूदा सांसद संजय सिंह को असम से राज्यसभा का टिकट, संजय की जगह पत्नी अमिता सिंह सुल्तानपुर से लड़ेंगी चुनाव। अमिता सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर से वरुण गांधी हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार, वरुण ने सुल्तानपुर से टिकट की जताई इच्छा। यूपी में कांग्रेस और आरएलडी के बीच समझौता, 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी आरएलडी, 2 सीटों पर हुआ बदलाव। मुजफ्फरनगर और नगीना सीट कांग्रेस को मिली, बुलंदशहर और केराना की सीट पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। बारास में कांग्रेस एनसीपी का टिकट बंटवारा, कांग्रेस को इस बार 1 सीट ज्यादा मिली, कांग्रेस 27 और एनसीपी 21 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। केजरीवाल ने मोदी को प्रॉपर्टी डीलर बताया, कहा मोदी अब मुख्यमंत्री नहीं, अदानी अंबानी के प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं।
भी ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री नहीं बचा, अंबानी अडानी टाटा और इन कंपनियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस सांसद विलास मुतेमवार होंगे उम्मीदवार, प्रियादत्त, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा को फिर मिला टिकट। अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए नागपुर में बीजेपी की आगाज रैली, शहनवाज हुसैन, नजवा हितुल्ला पहुंची, कहा मुसलमानों को डरा रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को बकरियों की तरह बाड़े में बंद कर दिया था और कहा था भेड़िया आ जाएगा खा लेगा रोकने। गडकरी बोले मोबाइल पर दंगे का वीडियो भेजकर और मोदी का नाम लेकर डरा रही है कांग्रेस, का हमने दंगा भड़काया है तो वो तो हमें वोट ना दे। आप में से कोई भी कह दे कि हम में से किसी ने दंगा भड़काया है तो हमें वोट मत दो, बिल्कुल वोट मत दो। बहनों और भाइयों, हम एक परिवार के हैं,